एंगुलर बायसेक्टर, ठीक है। तो बोल सकते हैं एंगुलर बायसेक्टर इज लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड लाइन। ठीक है, एंगुलर बायसेक्टर इज लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड लाइन। ठीक है, अब समझना क्या बोला गया है। जैसे एंगुलर बायसेक्टर में समझ में आ रहा, दो लाइन का एंगल को बायसेक्ट कर रहा होगा, उसी को लोकस फाइंड करना है। ठीक है, अब ध्यान समझना। जैसे सपोज एक लाइन एल वन विच दे रहेगा तुमको ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ठीक है, लाइन फिक्स है। एल टू एक और लाइन दे रखा है विच इज ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। सपोज तुमको दो लाइन दे रखा है इस तरीके से, एक लाइन ये रहा, दूसरा लाइन ये रहा, इसको मैंने L1 बोला विच इज L1 इक्वल टू जीरो एंड दिस इज L2 इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, जैसे एक पॉइंट, ठीक, जैसे मैंने इक्वी डिस्टेंस बोला ना, तो तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में सोचना। डिस्टेंस इनफाइनाइट डिस्टेंस आएगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो किसी पॉइंट से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो मान लें एक पॉइंट यहाँ पे दे रखा है इस तरीके का, ठीक है, जो क्या करोगे, यहाँ से तुम क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, मीन्स सपोज दिस इज ए वन एंड दिस इज सपोज ए टू, सपोज ये पॉइंट पी है जिसको मैंने एच कॉमा के बोल दिया। बात को समझ में आ रहा है, ऐसा पॉइंट जहाँ से, पॉइंट तो खूब सारा हो सकता है, बट यहाँ लोगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो डिस्टेंस इक्वल तो नहीं होगा, तो ये ईयर ही इक्वल होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर पॉइंट यहाँ पे आ गया, सपोज यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो मेरा पर्पस क्या है, पी का लोकस फाइंड करना। तो पी का जो लोकस आएगा ना, ठीक है, वही इसका एंगुलर बायसेक्टर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब पी का लोकस मेरे को फाइंड करना, देखो जैसे अगर तुम यहाँ से लाइन ड्रॉ करोगे इस जगह से, अगर तुम लाइन ड्रॉ करे हो इस जगह से यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से, है ना, दिख रहा है ये समझ रहे हो। तो ये जो आएगा, आप समझना, जैसे दिस ये परपेंडिकुलर है, बात को समझना, मेरे को एंगुलर बायसेक्टर का इक्वेशन निकालना है। मींस सपोज यहाँ पे एंगल, सपोज टू थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो ये थीटा और ये थीटा होना चाहिए, तभी तो एंगुलर बायसेक्टर बोलेंगे, ठीक है। अब देखना, अगर तुम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हो, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया अच्छे से, तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा पर्पस क्या है, पी का लोकस फाइंड करना। पी का जो लोकस आएगा विद स्ट्रेट लाइन आएगा, ये बात समझ में आ रहा है। और ये एक एंगुलर बायसेक्टर, ये भी तो एंगुलर बायसेक्टर हो सकता है इस तरीके से, अरे दिस एंगल इक्वल दिस एंगल, तो दो स्ट्रेट लाइन के बीच में दो एंगुलर बायसेक्टर का इक्वेशन आएगा, वो भी स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो जो लोकस हम लोग निकालेंगे पी का, ठीक है, वही दो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। अब कैसे लोकस निकालेंगे, समझो, इस पॉइंट से मेरे को लेंथ और परपेंडिकुलर निकालना है। सपोज यहाँ से लेंथ ये पी वन है, ये लेंथ पी वन होगा, इस पॉइंट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे और इस पॉइंट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे और दोनों का आपस में इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो अगर तुम ये लेंथ परपेंडिकुलर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसका इक्वेशन क्या था, तो क्या हो जाएगा, इसका था ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो था, और एच कॉमा के से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, मेरा आ जाएगा, देखो ए वन एच प्लस बी वन के प्लस सी वन डिवाइड बाई रूट अंडर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर, ये इसके लेंथ और परपेंडिकुलर इक्वल आएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, मॉड ए टू एच प्लस बी टू के प्लस सी टू डिवाइड बाय रूट अंडर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर करोगे, ठीक है। अब समझना क्या करेंगे, इसके बाद क्या करना है, इसको देखो लाइन इक्वेशन लिखना मेरे को, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ए वन एच प्लस बी वन के प्लस सी वन डिवाइड बाई रूट अंडर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर इक्वल, प्लस माइनस लगाएंगे, क्योंकि अगर प्लस भी, सपोज ये पॉजिटिव रहा
तो भी दिस इक्वल दिस हो गया। अगर नेगेटिव रहा उसको मॉड लगाओगे तो भी दिस इक्वल दिस ही होना है, ठीक है। तो मॉड गायब करें प्लस माइनस क्या जाएगा, ए टू एच प्लस बी टू के प्लस सी टू डिवाइड बाई रूट अंडर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर। और एच कॉमा के लिए मेरा वेरिएबल पॉइंट था ना, और एच यहाँ भी तो एच कॉमा के ले सकते थे, यहाँ भी एच कॉमा के ले सकते थे, या तुम एक्स कॉमा वाई भी ले सकते थे। और एक्स वाई वेरी करता वेरिएबल होता है, तो अब क्या करना है मेरे को, तुम लोगों से हम लोग पढ़ ही चुके एच कॉमा के को क्या करना है, एक्स कॉमा वाई से रिप्लेस कर देना होता है, ठीक है। तो एच को एक्स से, के को वाई से, तो क्या हो गया ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन डिवाइड बाई रूट अंडर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू डिवाइड बाई रूट अंडर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, यहाँ से दो इक्वेशन आया, एक प्लस वाला इक्वेशन और दूसरा माइनस वाला इक्वेशन, ठीक है। एक प्लस वाला दूसरा माइनस वाला, तो एक सपोज इसके एंगुलर बाइसेक्टर को सपोज मैंने बी वन बोल दिया, दूसरा को मैंने क्या बोल दिया बी टू, तो एक इक्वेशन बी वन का है दूसरा बी टू का है, कौन किसका है बाद में देखने वाले हैं, बट जो दोनों इक्वेशन आया ना वो दोनों एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन मेरा आ गया, और यही मेरा पी का लोकस भी है, समझ में आ रहा है। तो एक प्लस वाला इक्वेशन आई डोंट नो कि बी वन या बी टू किसका है, ठीक, किसी कोई एक बी वन का दूसरा कोई एक बी टू का। अभी जस्ट हम लोग मीन्स इसको बोल सकते हो एल वन डिवाइड बाई रूट अंडर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर बोल सकते हो इक्वल टू प्लस माइनस एल टू डिवाइड बाई रूट अंडर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, ठीक है। मीन्स इतना समझो, अगर तुमको दो इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, सपोज इक्वेशन क्या दे रखा है, सपोज x प्लस टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो एंड थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, अगर दोनों के एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि स्ट्रेट लाइन होगा, तो करना कुछ नहीं होता है, चुपचाप से क्या लिखोगे x प्लस टू वाई माइनस थ्री डिवाइड बाई रूट अंडर x का कोफिशियंट इज ए वन विच इज वन, ठीक है, ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर करना होता है, क्या लिखेंगे वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस कर दो, किसी एक को एल वन किसी दूसरे को एल टू मान लो, ठीक है। प्लस माइनस क्या लिखोगे थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस टू डिवाइड बाई रूट अंडर थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर करोगे, तो एक प्लस के साथ इक्वेशन आएगा दूसरा माइनस के साथ में आएगा, ये दोनों एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन मेरा आ चुका है, ठीक है। अब समझना इस तरह, तुम अभी जस्ट हम लोग कुछ देर पहले फैमिली ऑफ लाइन पढ़े थे, तो फैमिली ऑफ लाइन पढ़े थे तो अगर किसी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई सा भी लाइन पास करेगा उसको L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ इसी चीज़ को यहाँ जो लिखा ये चीज़, इसको मैं बोल सकता हूँ यहाँ से ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन दिस इक्वल टू क्या बोलेंगे, इसको उधर भेज देते हैं और इसको इधर ले आओ, कंप्यूटर को इधर ले आओगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, जिसको बोलोगे तुम, ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर डिवाइड बाई रूट अंडर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, क्या लिखोगे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो कर दोगे और इसको बस डिवाइड कर दे, उसको उधर ले आए, आ गया कि नहीं आ गया। तो इसको बोल सकते हैं एल वन प्लस माइनस जो भी था लैम्डा टाइम्स एल टू बोलोगे, समझना बढ़िया से, ध्यान से समझना, मैंने क्या लिखा, बस इसको डिवाइड किया उसको उधर ले आया, ठीक है। तो इतना बना प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या फ़र्क पड़ता है, अरे लैम्डा मान लीजिए, ठीक है, जो भी रहा प्लस माइनस जो भी आता है, ठीक है, वैल्यू प्लस माइनस हो तो कंप्लीट कॉन्स्टेंट है ये ना, अरे ए वन तो एक्स ए वन बी वन ए टू बी टू तो कॉन्स्टेंट है, ये क्या है, ये कॉन्स्टेंट है। तो लैम्डा लिखो थीटा लिखो, मतलब लैम्डा लिखो पी लिखो बी लिखो कुछ भी लिखो क्या फ़र्क पड़ता है, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन एल वन बोल सकते हो प्लस ये लैम्डा हो गया कॉन्स्टेंट, एल टू हो गया, तो एक तरह से एल वन या फिर जितना प्लस लिखो आप सिर्फ, ठीक है, लैम्डा टाइम्स दिस आ गया, बात को समझ रहे हो। अगर मान लीजिए इसको पॉजिटिव आना होगा तो लैम्डा मेरे पॉजिटिव होगा, अगर इसको नेगेटिव आना होगा तो लैम्डा मेरा माइनस फोर होगा, माइनस थ्री होगा, लैम्डा नेगेटिव हो जाएगा। तो एल वन प्लस लैम्डा टाइम्स एल टू इक्वल टू जीरो जो है, ठीक है, इक्वल टू एल बोलोगे, इसको एल बोल दोगे, एल इक्वल टू एल वन प्लस लैम्डा टाइम्स एल टू,
ठीक है, समझाने के लिए। मीन्स तुमको एक तरह से L1 पता था, L2 पता था, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इन्फाइनाइट लाइन क्रॉस करेंगे, तो अल्टीमेटली बी वन बी टू का ही इक्वेशन है। इस बी वन को मैं बोल सकता हूँ L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू जीरो, बी वन को फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हैं ना। अरे बी वन मेरा फिक्स्ड है, लैम्डा भी फिक्स हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको फैमिली ऑफ लाइन से भी लिख सकते हैं, ज़्यादा भी यहाँ पे किसका कोई रोल नहीं है, बस समझाने के लिए बता दिए। मैंने यहाँ पे क्या समझना है तुमको, ये चीज़ एंगुलर बायसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये आया समझ में, ठीक है। लाइन लिखो रूट अंडर ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस एल टू डिवाइड बाई रूट अंडर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, इसको लिख लो। हाँ कट छट सब हो जाता है, टेंशन नहीं, क्लियर आता है। देखो बात ये आता है कि देखो जैसे सपोज ये रहा एल वन रही है एंड दिस इज एल टू एंड दिस इज एल टू, ठीक है ना। अब देखो जैसे मान लिया, हो सकता है कि थोड़ा डायग्राम ऐसा बनाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा कि एक एक्यूट एंगुलर बायसेक्टर होगा, दूसरा ऑब्ट्यूज एंगुलर बायसेक्टर होगा, समझ रहे हो। जैसे अगर सपोज ये एंगल फॉर एग्जांपल 70 डिग्री है, ठीक है, एक्यूट दैट मीन 90 डिग्री से कम, ठीक है। फिलहाल 90 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सपोज ये 70 डिग्री है तो 110 डिग्री होगा। तो यहाँ से जो लाइन पास करेगा, जो एंगल को बायसेक्ट करेगा, उसको एक्यूट एंगुलर बायसेक्टर बोलेंगे हम लोग, और ये क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगुलर बायसेक्टर। बट तुमको उस जगह पर सिर्फ इक्वेशन गिवन रहेगा, दो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब तुम निकालोगे प्लस के साथ में, दूसरा माइनस के साथ में। अब कैसे पहचानोगे कौन सा एक्यूट एंगुलर बायसेक्टर का इक्वेशन है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगुलर बायसेक्टर का इक्वेशन है, ठीक है। तुझे पूछेगा, ध्यान समझना क्या क्या तरीका है इसको, ठीक है। मैं अभी लिखो मत, समझो सिर्फ क्या करना है समझना। देखो जैसे सबसे पहला चीज ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन डिवाइड बाई रूट अंडर ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू डिवाइड बाई रूट अंडर ए टू का स्क्वायर प्लस बी टू का स्क्वायर। कर एक प्लस के साथ इक्वेशन आ गया, दूसरा माइनस के साथ में इक्वेशन आ चुका मेरा, ठीक है। तो एक मेरा एक्यूट एंगुलर बायसेक्टर होगा, फिलहाल परपेंडिकुलर नहीं आपस में, ठीक है, ठीक है। तो एक क्या हो जाएगा एक्यूट एंगुलर बायसेक्टर, दूसरा क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगुलर बायसेक्टर, ठीक है। अब देखो कैसे क्या करेंगे सब, है ना। जैसे करना क्या मेरे को, देखो ए वन, ठीक है, ए टू प्लस बी वन बी टू फाइंड कर लो, ए वन ए टू, ए वन ए टू, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो आता है, ध्यान से सुनो, अगर ये ग्रेटर देन जीरो आता है, एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है, तो जो प्लस वाला साइन वाला जो इक्वेशन है वो ऑब्ट्यूज एंगुलर बायसेक्टर का इक्वेशन होगा। एक्यूट के बारे में मत सोचोगे तुम, भूल जाओ एक्यूट के बारे में, जो प्लस वाला इक्वेशन जो दिखा ना वो ऑब्ट्यूज एंगुलर बायसेक्टर का इक्वेशन होगा। मींस क्या बोलेंगे, जो पॉजिटिव साइन, मींस क्या बोलेंगे, इस फिलहाल यहाँ पे जैसे ए वन एक्स पूछिएगा, ठीक है, ठीक है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन डिवाइड बाई रूट अंडर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर इक्वल टू ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू रूट अंडर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर हो गया। तो प्लस वाला जो इक्वेशन है ना, ये क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर इक्वेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है। जो प्लस वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन हो जाएगा, तो माइनस वाला बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा एक्यूट हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अगर मान लिया सपोज ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू अगर लेस देन जीरो आता है, ठीक है, तो अब जो नेगेटिव साइन वाला इक्वेशन जो है ना वो ऑब्ट्यूज एंगुलर बायसेक्टर का इक्वेशन होगा, एक्यूट भूल जाओ। अगर ग्रेटर देन जीरो रहा तो पॉजिटिव साइन वाला इक्वेशन ऑब्ट्यूज एंगुलर बायसेक्टर का इक्वेशन, अगर लेस देन जीरो आया तो नेगेटिव साइन वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगुलर बायसेक्टर का इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेंगे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन रूट अंडर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू रूट अंडर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर आ गया। तो ये जो इक्वेशन है किसका हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगुलर बायसेक्टर का इक्वेशन। उस कंडीशन में पॉजिटिव साइन वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा
एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन। आगे समझ में क्लियर है? A1 A2, A1 दैट मीन्स x का कोफिशियंट पहला इक्वेशन का, A2 दैट मीन्स सेकेंड इक्वेशन वाले x का कोफिशियंट, B1 y का फर्स्ट वाले और B2 y सेकेंड वाला का। A1 A2 प्लस B1 B2 निकाला। अब सवाल आता है कि A1 A2 प्लस B1 B2 जीरो भी हो सकता है, ठीक है? तो अगर A1 A2 प्लस B1 B2 समझना, अगर हम इसका स्लोप निकाला, ठीक है, y इक्वल टू माइनस A1 बाई B1 x माइनस C1 बाई B1 आ जाएगा। इसका निकालोगे तो y इक्वल टू माइनस A2 बाई B2 x माइनस C2 बाई B2 आ जाएगा। इसका स्लोप कितना हो गया? M1 इक्वल टू, इसका स्लोप कितना आ गया? B2। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, M1 इंटू M2 करोगे, देखते क्या होता है। तो माइनस A1 B1 इंटू माइनस A2 B2 करोगे तो क्या हो गया? A1 A2 बाई B1 B2। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अब समझना, अगर मैं इसको इक्वल टू माइनस वन कर दिया इक्वल टू, मैंने क्या बोला, माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, तो A1 A2 इक्वल टू माइनस B1 B2, तो A1 A2 प्लस B1 B2 जीरो आ गया। अब समझना माइनस वन कब होता है, जो दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर मान लिया A1 A2 प्लस B1 B2 फॉर एग्जांपल अगर जीरो आता है, दैट मीन्स क्या बोलेंगे, बोथ लाइन मीन्स, देखो समझो, मान ली समझना बात को, अगर ये लाइन रहा ये लाइन रहा, समझो ध्यान से, इसको मैंने L1 बोला, इसको मैंने क्या बोला L2, अगर दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री बनेगा ना, ठीक है, तो इसके एंगुलर बाइसेक्टर भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। एक्यूट ऑब्ट्यूज का सवाल ही नहीं उठता है फिर तो। अगर ये 90 डिग्री 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री आ गया, तो इसके बीच में 90 आ गया, जो भी था, क्या बोलते हैं, ये देखो ब्लैक वाला 90 आ गया, ये B1 फर्स्ट एंगुलर बाइसेक्टर, B2 सेकंड एंगुलर बाइसेक्टर, तो L1 L2 के बीच में 90 डिग्री है, तो B1 B2 के बीच में भी 90 डिग्री, तो एक्यूट ऑब्ट्यूज का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है, मीन्स आपस में परपेंडिकुलर होगा। A1 A2 प्लस B1 B2 जीरो आ गया, तो आपस में परपेंडिकुलर है, सब एंगुलर बाइसेक्टर भी परपेंडिकुलर है और लाइन भी परपेंडिकुलर है। अगर लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो एंगुलर बाइसेक्टर भी आपस में परपेंडिकुलर होगा, उस टाइम पे A1 A2 प्लस B1 B2 जीरो आ जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन जीरो आता है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, पॉजिटिव साइन वाला इक्वेशन जो है वो ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन है, ठीक है, और अगर नेगेटिव आता है तो नेगेटिव साइन वाला इक्वेशन ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर है। एक्यूट खुद से कर लोगे तुम लोग, ठीक, अगर बोला जाए फाइंड एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर वाला इक्वेशन और तुम A1 A2 प्लस B1 B2 निकाले, अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव साइन वाला ऑब्ट्यूज है, तो पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। क्लियर है? एक तरीका ये भी पहला ही मैथड ही रहा, और क्या क्या तरीका कैसे कर सकते इस चीज़ को हम लोग, ध्यान से समझो, जैसे समझो बात को समझना, B1 भी एक स्ट्रेट लाइन है, B2 भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तुम चुपचाप से ऐसा करोगे तो प्लस के साथ में इक्वेशन आएगा और दूसरा माइनस के साथ में इक्वेशन आएगा, बात को समझ रहे हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक मान लें B1 का सपोज मैंने एक इक्वेशन ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले लिया, ठीक है, प्लस के साथ इक्वेशन जो लिया, ठीक है, इस इक्वेशन ये कुछ ना कुछ एंगल थीटा होगा, अरे B1 और L2 के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है ना, ठीक है। अब क्या करोगे, जैसे इस लाइन का इक्वेशन तुमको पता है, आई डोंट नो कौन सा इक्वेशन है, एक इक्वेशन को इस लाइन को एंगुलर बाइसेक्टर जो निकाले हो और इसके बीच में एंगल निकालोगे और इसका स्लोप निकाल लोगे ना, इक्वेशन पता है तो, और इसका भी स्लोप निकाल लोगे, M1 पता है M2 पता है, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स M2 माइनस M1 डिवाइड बाई 1 प्लस M1 M2 करोगे, ठीक है। अगर मान लिया ये, ठीक, अगर ये जो एंगल है, ठीक है, अगर 45 से कम आता है, दैट मीन्स टेन एक्स दो टेन थीटा स्लोप टेन थीटा जो होता है, ठीक है, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू बढ़ता जाता है, ठीक है। तो अगर टेन 45 मेरा 1 आता है और अगर वैल्यू 1 से कम आता है पॉजिटिव में, दैट मीन्स ये जो एंगल है जो मेरा 45 डिग्री से कम होगा, सपोज 1/2 आ गया, ठीक है, टेन 45 डिग्री 1 होता है और टेन थीटा इक्वल टू मान लिया 1/2 आ जाता है, थीटा नहीं, टेन थीटा 1/2 आया, दैट मीन्स 1 पे 45 डिग्री, 1/2 पे और भी एंगल कम होगा, अरे एग्जैक्ट नहीं पता कितना, बट एंगल कम होगा, अगर एंगल कम होगा दैट मीन्स 45 से कम है, ठीक है। तो वो जो एंगुलर बाइसेक्टर था वो एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है?
और अगर सपोज मान लिया ये जो वैल्यू दिया तेरा, सपोज दे दिया, सपोज मैं मान लिया रूट थ्री आ गया, एक किसी एक उठाए तुम चुपचाप से, एक पहला इक्वेशन आ गया और एक लाइन को उठा लिए, दोनों बीच में एंगल निकालोगे, ठीक है। अगर मान लिया वो जो होता है फॉर एग्जाम्पल आ गया रूट थ्री आ गया, तो थीटा 60 डिग्री बन रहा है, तो कंप्लीट 120 आ जाएगा। तो तुम बोल सकते हो वो जो जिसके साथ हम एंगल निकाले थे वो क्या हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, ठीक है। तो अगला बाय डिफॉल्ट दूसरा एक्यूट हो जाएगा, बात को समझ में आ रहा है, ठीक है। और m1 m2 का अगर मान लिया माइनस वन आता है तो समझ जाओ कि सब परपेंडिकुलर है, मीन्स m1 m2 मतलब माइनस वन तो नहीं आएगा इस जगह पे, मीन्स l2 और b1 के बीच में नहीं आने वाला है, ठीक है। b1 और b2 के बीच में माइनस वन आ सकता है, अरे तुम b1 b2 निकाले तो तुमको l1 l2 से समझ में आ जाएगा। अगर l1 l2 आपस में परपेंडिकुलर है, l1 l2 का स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन के इक्वल आता है, तो b1 b2 का भी स्लोप माइनस वन के इक्वल आएगा, तो उसमें दिमाग तो लगाना ही नहीं है, क्लियर है, ठीक है ना। एक और तरीका समझो, ये सेकंड तरीका हुआ। थर्ड तरीका क्या समझना, जैसे मैं बोला सपोज एक पॉइंट ले लिया इस जगह पे, लिया, ये भी अच्छा तरीका है, ठीक है। मान लिया पी, सपोज मान लिया जिसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, खुद से ले सकते हो, इसकी इनफाइनाइट पॉइंट सेटिस्फाई करेगा ना, अरे एक्स में कुछ पुट कर दे वहाँ से वाई कुछ ना कुछ निकल जाएगा। एक पॉइंट सपोज मान लिया एच कॉमा के आ गया, बात को समझना। अब इस पॉइंट से तुम यहाँ से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और यहाँ से भी लेंथ ऑफ, सपोज ये लेंथ पी वन, ये लेंथ कितना हो गया पी टू, जिस उस पॉइंट से जिसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कम होगा, ठीक है, इसके कम दिख रहा है पी वन, कम दिख रहा है मेरे को, अब पी टू ज़्यादा दिख रहा है, तो पी टू अगर ज़्यादा दिख रहा है जिससे ज़्यादा आ गया तो मेरा क्या हो गया, ये ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन है, और ये क्या हो जाएगा, ये एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन। ये भी बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं, ठीक है, जैसे मैंने बोला इसका कुछ भी रहा, ठीक है, प्लस के साथ मेरे को नहीं पता डायग्राम वगैरह कुछ नहीं पता, ठीक है। एक इक्वेशन पहला आ जाएगा, दूसरा एक माइनस के साथ में इक्वेशन आएगा, एक ऐसा पॉइंट लो किसी एक लाइन को पकड़ लो एन वन एल टू को जिसको सेटिस्फाई करे, वहाँ से क्या करो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसी एक से निकाल लो, ठीक है, और दूसरे से भी निकाल लो, तो जिसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कम होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर वाला इक्वेशन वही है, जिसका ज़्यादा हो ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर वाला, ठीक है। बट सबसे बेस्ट तरीका ये रहा, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू निकालो, ग्रेटर देन पॉजिटिव वाला इक्वेशन ऑब्ट्यूज, लेस देन नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर। लिखवाएं कम है बट बताएं ज़्यादा कुछ है, समझ में आ रहा है ना, अगर सारा चीज़ को ध्यान से सुन लोगे, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। अब वीडियो में तो सब रिकॉर्ड है ही है, फिर से अगर कोई भूलते हो तो उसको देख लेना, ठीक है ना, लिख लो इस चीज़ को।